कब्रिस्तान की जमीन पर बिना किसी आधार के भूमाफियों द्वारा हो रहा अवैध कब्जा। कोतवाली उतरोला के ग्राम अमय देवरिया निवासी वसी हैदर ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर ग्राम उतरोला ग्रामीण के नवीन प्रति व उसी से सटा हुआ बरदही बाजार चुंगी नाका स्थित ग्राम अमया देवरिया के मुस्लिम कब्रिस्तान पर दबंगों द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि मोहल्ला आर्य नगर निवासी भारत भूषण व उनके पुत्र कुलदीप द्वारा उतरोला ग्रामीण की भूमि नवीन पड़ती व उसी से सटा ग्राम अमया देवरिया का मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन पर बिना किसी आधार के अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उपजिलाधिकारी अरुण कुमार गौड़ ने शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए हल्का लेखपाल बेचन राम शास्त्री को मौके पर भेजकर हो रहा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। उपजिलाधिकारी उतरोला ने बताया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में बात करने पर ग्रामीणों ने बताया कि यह कब्रिस्तान सदियों पुराना है, उनके बाप दादा व अन्य पूर्वज भी इसी कब्रिस्तान में दफन हुए हैं। मोहम्मद वाजिद हुसैन अपना काम करने दीजिए, सरकार ने इतना अधिकार दिया है वीडियो बनाने का, किसी का फोटो खींचने का। अगर कागज देखना देखिए, कागज वहाँ दिखाइए। वही काम मैं खुद कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वही हो रहा है। पहले करा के कोर्ट का आर्डर का पालन करा के तब यहाँ कुछ करना चाहिए था आपको। यही तो हमने आपसे कहा था। आप देखिए तो क्या देखें, क्या देखा है कोर्ट का आर्डर है? यहाँ आप बवाल करा देंगे, बात बवाल करा देंगे, कार्य कोर्ट का आर्डर। बवाल हम लोग नहीं करना है, इनके बोलने से लड़का कह देगा मत करो तो हम लोग देंगे काम। ये आप इसको हटा दिया? हां 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 हां, ये ट्रक हटाओ यहां से, कहां गए? अरे यही तो आगे हटाओ, चलो को दोबारा कट कर दो। हमने खाली करा दिया। मैं जानता हूं कि जब तक कोई ऑर्डर यहाँ हम लोगों का नहीं होगा, और का ऑर्डर हुआ है तो आपका अच्छा जाइए। क्या मामला? अब ये कब्रिस्तान है और नाला है इधर, हाँ, और अवैध कब्जा कर, अवैध कब्जा कौन कर रहा है? भारत भूषण कर रहे हैं। हाँ, ये कब्रिस्तान कब से है? कब्रिस्तान ये बहुत जमाने से। वो कह रहे हैं कि हमारी माँ यहाँ कुरिया छा के रह रही थी, जहाँ तक आपकी जानकारी है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई कुरिया नहीं। और आपके यानी आप जानकारी के पहले से ही ये कब्रिस्तान था? हाँ, पहले कब्रिस्तान, पहले अवैध कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी होते हुए उनके नाम पट्टा ही नहीं होना चाहिए। पट्टा तो नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं मेरी माँ के नाम पे पट्टा। कतई नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं। उस समय जब आप लोगों का कब्रिस्तान बन रहा था, हमसे उनसे पूछा था कि जब कब्रिस्तान बन रहा था तब आप कहाँ थे? उस समय कोई कागजात या कोई कंप्लेन डाले आप? तो कह रहे हैं कुछ नहीं डाले, हमें जानकारी नहीं थी। जब हम उनसे पूछे वही कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं। हमने उनसे पूछा कितने दिन के बाद तुम्हें जानकारी मिली? वो कह रहे हैं 2 साल बाद। क्या बात सही है, वो यहाँ पे नहीं रहते थे? कसाई नहीं, वो यहीं पर रहते थे, उनको जानकारी थी।